नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पबजी के बारे में। पबजी के बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी भारत सरकार ने ऑलरेडी चाइना की 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। उसके बाद अब बारी आने वाली थी हमारे पबजी की, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जो पबजी है उसने चल दिया है एक चाल, और कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक। और ये मास्टर स्ट्रोक क्या है? ये मास्टर स्ट्रोक है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो आपकी स्क्रीन के सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है प्राइवेसी पॉलिसी जो पबजी के द्वारा बदल दी गई है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, प्लीज़ नोट दैट आवर प्राइवेसी पॉलिसी फॉर यूज़र ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली बीन अपडेटेड। मतलब भारत के लिए पबजी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर लिया। और इसका क्या कारण है? इसका साफ सा कारण है क्योंकि इंडिया ने जो ऐप्स पर बैन लगाया था वो डेटा चोरी का ही आरोप लगाया था। तो डेटा चोरी का जब आरोप लगा, उसके बाद पबजी ने प्लान किया कि अब हम अपनी ऐप को बैन होने से कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने किया इतना बड़ा काम। आई थिंक ये प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है पूरी, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका इन शॉर्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है कि इन्होंने कि ये डेटा को कहाँ सेव करते हैं और आपका डेटा गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा। ये इंडिया के लिए उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी बनाती है ताकि इनकी ऐप बैन ना हो। लेकिन 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 आप सभी को पता है जो हमारी गवर्नमेंट है यानी कि भारत सरकार है वो ऑलरेडी 59 चाइनीज़ ऐप पे बैन लगा चुकी है, क्योंकि चाइना ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया गलवान घाटी में। तो उसके कारण बैन लगाना ज़रूरी था किया। और आप सभी जानते हैं जैसे कि हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, 140 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं अगर कोई कंपनी कोई ऐप इंडिया में नहीं चलती तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा सस्टेन करना, क्योंकि 140 करोड़ एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, ठीक है। तो ये चाइनीज़ ऐप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। जैसा कि टिकटॉक वगैरह ये तो बैन ही हो गया, इनका तो बिल्कुल ही काम बंद हो गया है। लेकिन अभी पबजी चल रहा है और पबजी को आई थिंक बैन करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उससे बचने के लिए इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी का एक प्लान किया। अब देखते हैं ये प्राइवेसी पॉलिसी बचा पाती है क्या नहीं बचा पाती है टिकटॉक को, क्योंकि टिकटॉक नॉट टिकटॉक एक्चुअली अपने पबजी को। तो पबजी के बारे में मुझे लगता है कि ये बैन होगी या नहीं होगी, और इसके इस मास्टर स्ट्रोक को किस तरह से लिया जाता है वो भी देखना होगा। और मुझे लगता है कि पबजी शायद बैन हो जाए, तो पबजी अगर बैन होने से बच जाती है तो शायद कुछ प्लेयर्स जो खेलना चाहते हैं इस गेम को उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर पबजी बैन हो गया तो उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी। तो इसी तरह के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।